नमस्कार, आज हम यहाँ आए हैं इस बारे में बात करेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को किस तरह क्लासरूम में इकोनॉमिक्स आसानी से समझाया जा सकता है, ताकि जो इकोनॉमिक्स में डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है इन बच्चों को समझ में आ जाए। इसके लिए हमारे साथ है मैडम मंजू तिलारा और उनकी स्टूडेंट मोहिनी। मैडम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, मेरा नाम मंजू तिलारा है और मैं NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में पिछले 15 सालों से दृष्टिहीन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और इन बच्चों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं, केवल इन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता है। मोहिनी जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए अपने बारे में। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ मोहिनी, स्टडिंग इन 9th क्लास सालवन पब्लिक स्कूल। आई एम हेयर टू टेल यू दैट वॉट आर द प्रॉब्लम वी ऑल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फेस इन डायग्राम्स एंड बार ग्राफ एक्सेट्रा। मैम, अभी मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगी, इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में? तो पहले आप बताइए कि आप सेकेंडरी लेवल पे इन बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? एक्चुअली सेकेंडरी लेवल पर मैं बच्चों को सोशल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आते हैं, और इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मैम, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इकोनॉमिक्स में मैथ्स का बहुत रोल है, क्योंकि जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि मैथ्स में हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, ग्राफ्स, टेबल्स सारी चीज़ें होती हैं। यही सारी चीज़ें हायर क्लासे में आकर इकोनॉमिक्स में हो जाती हैं, इसलिए अगर मैथ्स में बच्चा अच्छा है तो आगे इकोनॉमिक्स में भी उसकी बहुत हेल्प कर सकता है। मैम, जब क्लासरूम में आप ग्राफ और टेबल्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाया जाता है? एक्चुअली जब हम लोग दृष्टिहीन बच्चों को ग्राफ या टेबल्स के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा उनको एम्बॉस में दिखाना पड़ता है, यानी कि जो भी आपके ग्राफ हैं अगर उनको टेक्टाइल फॉर्म में दिखाएं तो बच्चे उनको छू कर ईजीली समझ पाते हैं, क्योंकि दिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टच के माध्यम से सारी चीज़ें जानते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उन ये बच्चे उन सारी चीज़ों को टच के माध्यम से समझ सकें। मैम, आपने तो बोला कि आप NAB में बहुत सालों से काम कर रही हैं, तो NAB आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक्चुअली NAB जो है केवल दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, और ये दृष्टिहीन बच्चों से संबंधित जितनी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी सुविधाएँ NAB प्रोवाइड करता है। NAB ने इनके लिए जितने इक्विपमेंट हैं, जैसे कि ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, अबेकस और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए स्टिक केन, अभी भी नया नया स्मार्ट केन भी अभी डिस्कवर किया है, तो इन ये सब चीज़ें NAB इन बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो इन जितना भी फैसिलिटीज़ दिया है NAB ने, क्लासरूम में इतने सारे जो फैसिलिटीज़ है सब सफिशिएंट हो जाता है, या आपको लगता है कि कुछ और फैसिलिटीज़ भी दिया जाए ताकि इन बच्चे अच्छे से पढ़ सकें? एक्चुअली NAB ने जिन बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि उसने लगभग सारी चीज़ें इन बच्चों को दी हुई हैं, और हमारी अपनी अपनी कोशिश रहती है कि हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो आपको अपने तरीके से पढ़ाने के लिए मतलब मौका मिलता है, या जितना इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से पढ़ाती हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारी ये स्कूल नहीं है, NAB स्कूल नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम बहुत रहती है, आप अपने मन से भी थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं जिनसे हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे जितना क्लासरूम में आपने पढ़ाया तो ठीक, क्लासरूम से बाहर भी बच्चों की बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी हमें पूरी करनी पड़ती है। तो आपने अभी तक कुछ नया अपने से डेवलप किया है बच्चों के लिए? समय समय पर एक्चुअली बच्चों की नीड जैसे नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनके लिए बहुत सारे टैक्टाइल फॉर्म में चीज़ें डेवलप करते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे कौन से क्लासेस में हैं और कौन से सब्जेक्ट से। अगर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो बच्चों को जो ग्राफ या टेबल होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं जो टेबल है वो लैपटॉप के जरिए उनको बता सके, दिखा सके, और जो आपका ग्राफ है वो टैक्टाइल फॉर्म में उसको उनको बता सके, ताकि वो टच के माध्यम से इजीली समझ सके। अच्छा, जो सिलेबस बनाया गया है बच्चों के लिए विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए, कुछ अलग है या सारे ही पढ़ते हैं, कुछ एग्जम्पशंस हैं इनके लिए? नहीं, एक्चुअली क्लासरूम में तो सिलेबस में तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। जो और बच्चों के लिए सिलेबस है सेम वही सिलेबस इनके लिए भी है, केवल जब ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एग्ज़ाम में जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन हैं या ड्रॉ वाले क्वेश्चन हैं उसमें इन बच्चों के लिए एग्जम्पशन होता है।
अच्छा, क्लासरूम के अंदर आप जितना भी कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए, क्लासरूम के बाहर भी ये कभी आपको पूछते हैं या कोई असिस्टेंस मांगते हैं? बिल्कुल, ये बच्चे एक्चुअली हम लोग का इनके इन बच्चों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है कि कभी भी क्लासरूम के बाहर हो चाहे अंदर, कभी भी इनको जिस भी प्रकार से इनको हेल्प की ज़रूरत होती है हम उनको पूरी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि क्लासरूम में जैसे स्कूल में बच्चे हमारे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों को मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग नैब में बैठ के इन बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने हाथों से लिखें, या अगर कुछ असाइनमेंट है तो उसको इंटरनेट के जरिए निकाल कर इनको प्रोवाइड करें। इसके अलावा इनको पढ़ने के लिए ब्रेल बुक्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और रिकॉर्डिंग मटेरियल जिससे बच्चे रिकॉर्डिंग को सुन सकें। इन बच्चों के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, जैसे कोई पर्टिकुलर मेथड हो गया जो अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि अगर वो मेथड हम फॉलो करेंगे तो बच्चों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? एक्चुअली वैसे तो हम लोगों ने सारे मेथड अभी फॉलो कर ही लिए, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी जैसे दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है तो मे बी अभी तो सब बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर की ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं आई है, लेकिन नैब कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो कंप्यूटर ले सके, कंप्यूटर ट्रेनिंग ले सके, ताकि उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। और कंप्यूटर अगर बच्चों को आ जाता है तो फिर वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, उनको किसी राइटर की ज़रूरत नहीं है, किसी रीडर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपना काम स्वयं कर सकते हैं। और उनकी भी अपनी ये दिली इच्छा होती है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहें, तो ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है ये इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। दर्शकों, अभी तो हमने मैडम मंजू से बात किया इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे मिस मोहिनी से कि वो अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके बारे में वो क्या कहती हैं। मोहिनी जी, आप अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि पढ़ाई के अलावा आप और क्या करती हैं? हाँ, पढ़ाई के अलावा मेरी और भी हॉबी हैं, जैसे स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स वगैरह और शॉर्ट फुट और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे, उन सब एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो क्लासरूम में आप किस तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं? क्लासरूम में तो ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे ग्रुप में कभी कभार थिएटर वगैरह परफॉर्म करना पड़ता है या फिर और भी डिस्कशन वगैरह, डिक्लेमेशन, डिबेट वगैरह, इन सब में भी मतलब इन सब में भी हमें दिखाना पड़ता है करके टीचर्स को। मोहिनी जी, आप तो क्लास 9th में पढ़ रही हैं, मतलब सेकेंडरी लेवल पे आ गई हैं, तो क्लास 9th में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अभी? क्लास 9th में मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST एंड FIT। क्या क्या क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं? जैसे कोई किसी टाइप कोई भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जेम्प्टेड है क्या, जैसे ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गया, क्या आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं या ये नहीं करते हैं आप? जी नहीं, जैसे थ्योरी टाइप कुछ क्वेश्चंस होते हैं और सारे थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सॉल्व, सारे आंसर्स करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट वगैरह, ये सब हम लोग नहीं बना सकते, तो इनकी जगह क्वेश्चन चेंज होकर हमें मिलते हैं। तो आपको लगता है क्या कि ये जो एग्जेम्पशंस है आप लोगों के लिए वो होना चाहिए, या आप लोग, आपको लगता है कि आप भी ये सब पढ़ें, आपको भी आना चाहिए बाकी बच्चों की तरह सब कुछ जितना भी सिलेबस में है? नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमारे लिए ये सब एग्जेम्प्टेड होने चाहिए, ये टेबल वगैरह बारग्राफ हमारे लिए एग्जेम्प्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इन ये सब चीज़ें आसानी से सीखें, हमें भी पता चले कि ये मतलब क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं और किस तरह हम लोग शो कर सकते हैं लोगों को कि हम भी ये सब कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें भी हमें सिखाई जानी चाहिए और बाकी सबको बताया, मतलब टीचर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि किस तरह वो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं टेक्टाइल के थ्रू। जब क्लासरूम में क्लास होता है तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं पढ़ने में? क्लासरूम में मतलब टीचर्स सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं, वो सब समझ आ जाता है, बट कुछ होते हैं कि डायग्राम्स वगैरह टीचर्स बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हैं, तो इतना किसी के पास भी टाइम नहीं होता कि वो ऑन द स्पॉट वो हमें अगर हम पूछते हैं तो हमें समझाएं, लेकिन कुछ डायग्राम्स वो बोल बोल के भी समझाते हैं। कभी कभार होता है कि बहुत सी चीज़ें समझ भी आ जाती है, बहुत सी चीज़ें उस डायग्राम्स में होती हैं जो नहीं समझ आता नहीं आ पाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को इन सब चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए समझाने के लिए।
तो क्लासरूम में बस आप टेक्स्ट बुक को ही लेके पढ़ते हैं या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप लोगों के लिए अलग से होता है? नहीं, क्लासरूम में एक्चुअली हम लोग टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ लैपटॉप का भी यूज़ करते हैं। लैपटॉप में हमें हेल्प मिलती है पूरी, उसमें ई टेक्स्ट में सारी बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। ई टेक्स्ट के थ्रू हम सब कुछ पढ़ सकते हैं इजिली, सेल्फ डिपेंडेंस होके, और बाकी टीचर्स भी हमें पढ़ा देती हैं और टीचर्स पढ़ा देती हैं, उसके बाद हम खुद पढ़ लेते हैं तो ईजी हो जाता है समझना। मोहिनी जी, आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ के एक पार्ट के जैसा, उसमें आप अभी तक क्या क्या पढ़े हैं क्लास नाइन्थ में? अभी तक तो इकोनॉमिक्स में मैंने पॉवर्टी वगैरह के बारे में पढ़ा है, एक डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल्स वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जब आप इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका बस कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है या आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो गया, वो सब भी आप पढ़ते हैं? डायग्राम, बार ग्राफ और टेबल वगैरह, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। ये सब हमें टीचर्स एक्सप्लेन कर देती हैं अच्छी तरह से, क्योंकि स्कूल में तो इतना नहीं हो पाता, स्कूल में जितना पॉसिबल होता है टीचर्स हमें समझाती हैं, बट NAP में आके NAP में हमें सारा मतलब सब कुछ टीचर्स समझा देती हैं। वो एक्चुअली अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे टेक्टाइल के थ्रू हमें सब कुछ टीचर्स समझा देती हैं। अच्छा, तो क्लासरूम में जो समझ में नहीं आया वो पार्ट आप आके NAP में क्लियर करते हैं? Yes. आपके लिए मोहिनी जी, आप कभी भी होम ट्यूशंस लिए हैं या अभी तक होम ट्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है? मतलब मुझे आज तक होम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि NAP में पूरा सपोर्ट मिलता है हमें, टीचर्स इतनी अच्छी तरह से ट्रेन है, उन्हें सब कुछ पता है किस तरह हम लोगों को समझाना है, तो आज तक मुझे कभी भी होम ट्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सब कुछ NAP से ही किया है। आपके पढ़ाई में आपके टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स जो हैं उनके रोल के बारे में कुछ बताइए। मेरे स्कूल में टीचर्स वगैरह में जब पढ़ाती हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फ्रेंड्स समझाते हैं, हम लोग फ्रेंड्स को बोलते हैं समझाने के लिए, तो फ्रेंड्स हमें ईजिली समझा तो पाते हैं लेकिन इतना ईजिली नहीं ताकि जो हमें पूरी तरह से समझ आ जाए। मेनली हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं डायग्राम्स वगैरह में, तो डायग्राम्स कभी कभार होता है कि वो लोग खुद भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें खुद समझ तो आ जाता है बट वो समझा नहीं पाते, तो वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल दे के हम लोग को समझाते हैं, कभी कभार हाथ पे फिगर बना के समझाते हैं तब भी हमें समझ नहीं आ पाता, तो होता है कि कभी कभार समझ आ जाए तो कभी कभार नहीं समझ आता। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता जो वो और बच्चों के साथ साथ हमें भी समझा पाए, हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम होता है तो वो लोग हमें समझा देते हैं, और लेकिन हर स्कूल इतना सपोर्टेबल नहीं होता, और भी स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स नहीं समझाती हैं, उन लोग बच्चों को रिफ्यूज़ कर देती हैं कि इग्नोर भी कर देते हैं कि वो लोग नहीं सुनते, वो लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह इन बच्चों को समझाना है, इसलिए टीचर्स मतलब टीचर्स प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, अब आपने सुना कि किस तरह मोहिनी जी को क्लासरूम में पढ़ने में दिक्कत होती है, वो क्या सब कहना चाहते हैं कि हमें अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं वो लोग, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम मंजू तिलारा से कि वो क्लासरूम में जिस तरह से पढ़ाती हैं, जो मेथड्स यूज़ करती हैं, यहाँ हमारे दर्शकों को कुछ करके दिखाएँ। ये आपके सामने 11th क्लास में बैलेंस ऑफ ट्रेड का टैक्टाइल फॉर्म में बना रखा है। ये देखिए, ऊपर इसमें ब्रेल में लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड 1998 टू 2002, और नीचे प्रिंट पे लिखा है ताकि लो विज़न बच्चे भी इसको पढ़ सकें। नीचे ये टैक्टाइल फॉर्म में लाइंस बना रखी हैं, एक्स एक्सिस, ये इसमें ब्रेल में एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, और ऐसे ये वाई एक्सिस है, इसमें ब्रेल में वाई लिखा हुआ है। जो आपका एक्स एक्सिस है उसके साइड में ब्रेल में रुपीज़ इन लैक्स लिखा हुआ है, और ऐसे जो एक्स एक्सिस है उसमें डिफरेंट ईयर्स लिखे हुए हैं। बीच में एक और लाइन आप देख रहे हैं जो ज़ीरो को इंडिकेट करते हैं। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कितना कितना बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1998 लिखा हुआ है, अगर 1998 के ऊपर हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है जो हमारे टच से हम लोग पता कर सकते हैं, इसी को टच करते हुए बच्चे ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो ज़ीरो वाली लाइन है इसके ऊपर एक बार है और बार के टॉप में लिखा हुआ है 17।
और ये जो बार है इस लाइन के ऊपर होने का मतलब है कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम। तो इस लाइन के ऊपर जो आने वाले जितने बार हैं वो सारे आपके पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को बताते हैं। इसी तरह से 1999 में अगर देखें तो ऊपर डॉटेड लाइन है, उसके ऊपर भी बार बना हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है नंबर 10। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका 10 है, पॉजिटिव 10। आगे चलते हैं, उसके बाद लिखा है 2000। 2000 में अगर इस लाइन के ऊपर गए तो आपको तुरंत बार दिखाई दिया और बार आपको ऊपर की तरफ से ज़ीरो से टच किया। अब इस ज़ीरो के नीचे जितनी लाइन हैं वो आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट करते हैं, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम। इसी तरह से आगे गए तो 2001 है, जिसमें अगर लाइन से आगे गए तो आपके ज़ीरो से टच होता है। इसका मतलब है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, यानी कि -16। नेक्स्ट में 2002 है, इसी में डॉटेड लाइन आगे हम गए और एक आपका छोटा सा बार जो ज़ीरो ज़ीरो लाइन से जुड़ा हुआ है और इसके आगे लिखा है -5। इसका मतलब ये जो ज़ीरो आपकी लाइन आप देख रहे हैं इसके नीचे के जितने बैलेंस ऑफ ट्रेड हैं ये नेगेटिव, और इसी लाइन के जो ऊपर के ट्रेड हैं वो सारे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हैं। यानी कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सरप्लस, ये आपका सरप्लस हुआ, और नीचे यहाँ पर आपका ब्रेल में लिखा हुआ है डेफिसिट, यानी जो नीचे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट है। यानी कि इस आपका टैक्टाइल फॉर्म से हम बच्चों को बैलेंस ऑफ ट्रेड को इजीली, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैंने इनके लिए डेवलप किया है ग्राफ, इसको जो है आपका पाई डायग्राम, ये आप देख रहे हैं इसमें ब्रेल में लिखा है पाई डायग्राम। ये जो पाई डायग्राम है ये सर्कल होता है, तो बच्चे पहले सर्कल को हाथ से उंगली से छूकर देखेंगे, पूरा सर्कल है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर लगे हुए हैं। इसमें बच्चे देखेंगे एक दो तीन चार और पाँच, पाँच तरह के टेक्सचर्स का यूज़ किया गया है। इन पाँच तरह के टेक्सचर्स में इनके साइड में इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ जो ये जो टेक्सचर है इसमें बच्चे हाथ लगाएंगे और इसके बाद यहाँ ब्रेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है वो टिम्बर और उसके आगे लिखे 25%, यानी टिम्बर का जो परसेंटेज है वो 25% है। नेक्स्ट में अगर यहाँ हाथ लगाते तो यहाँ भी ब्रेल में कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है लेबर, यानी 25% लेबर का जो परसेंटेज है वो 25 है। नेक्स्ट में बच्चे इस टेक्सचर में हाथ लगाएंगे और यहाँ पर ब्रेल में लिखा है सीमेंट 10%, यानी कि सीमेंट का परसेंटेज 10 है। अगेन बच्चे नेक्स्ट में नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और वहाँ पर इसमें हाथ लगाते तो यहाँ पर भी ब्रेल में लिखा हुआ स्टील 25%, यानी स्टील का परसेंटेज 25 है। नेक्स्ट कॉलम में वहाँ पर डॉटेड लाइन है, डॉट्स दिए हुए और उसके आगे ब्रेन में लिखा हुआ है ब्रिक्स, यानी 15%। तो इस पूरे पाई डायग्राम से बच्चों ने ये जाना कि इस पूरे पाई चार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं। नीचे ब्रेन में लिखा हुआ है डिफरेंट आइटम्स एंड इट्स एक्सपेंडिचर, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनके एक्सपेंडिचर परसेंटेज में अलग अलग दिए हुए हैं। अगर ये हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को इस तरह से टैक्टाइल फॉर्म में कुछ बताते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। वैसे तो एग्ज़ाम इनको करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमारा पर्पस है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने चाहिए, तो इसके माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से ये चीज़ तो हम लोग डेवलप करते हैं। अब कुछ ऐसा भी होता है कभी कि बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमिजिएटली उनको शो करनी होती है, तो उसके लिए देखिए हमारे नैब में ये टैक्टाइल बोर्ड है जो कि इसका जो सरफेस है वो खुरदरा है, रफ सरफेस है। इसके ऊपर अगर हम पेपर लगाते हैं, इसमें हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसके रिवर्स साइड में वो एम्बॉस में आ जाएगा। जैसे कि हमने पेपर लगाया और इसके ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अगर पाई चार्ट बच्चों को बताना है इमिजिएटली तो इस तरह से हमने ये मैंने इसमें लाइंस खींची है, पाई चार्ट बनाया और इसके रिवर्स साइड में अगर आप देखें, ये आपने देखा कि ये मैंने इस टेक्टाइल बोर्ड में ये एम्बॉस में आपका ये पाई डायग्राम बना है। ये इसको दिखाई दिखने में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर इसमें हाथ आप फेरेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये एक सर्कल है और सर्कल के बीच में ये अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ बार डायग्राम बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से ही ज़ीरो एक्सिस और
जीरो बाय, और इसमें जो कुछ देखिए, मैंने कुछ इसमें बार डायग्राम बनाए हैं। ये बार ग्राम ज़ीरो ज़ीरो एक्स और ये ज़ीरो वाई है, जिसमें कुछ बार्स बने हुए हैं। अगर ये साइड चेंज करनी है तो आप इसके रिवर्स साइड में इसको लेफ्ट साइड में बनाएंगे, तो बैक साइड में आने के बाद ही इस साइड ऐसे बनेगा, और वैसे नहीं तो इस तरह से बनेगा। तो इससे बच्चों को इमीजिएटली हम बता सकते हैं कि बार डायग्राम कैसा होता है। हम इन बच्चों के लिए जो टैक्टाइल फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं, इनको ये डायग्राम सिखाने से पहले इन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ताकि बच्चे वर्बल डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद इस डैक्टाइल फॉर्म को जब टच करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो मेन है कि पहले वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया जाए, फिर टैक्टाइल फॉर्म में इन चीज़ों को दिखाया जाए, ताकि बच्चा इजीली उसको समझ सके। मंजू जी, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो एड्स एंड अप्लायंसेस यूज़ करते हैं क्लासरूम में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ दिखाइए। बिल्कुल, मैं उन सब चीज़ों को दिखाना चाहूँगी जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कि अभी अपने से पहले ये मैंने यूज़ किया था टैक्टाइल में बनाने के लिए, इसको स्टाइलस कहते हैं। इसका यूज़ हम ब्रेल लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने ब्रेल में मैंने जो जो ग्राफ्स बनाए थे, इसमें ब्रेल में लिखा था। देखिए, ये सारे जो ब्रेल में चीज़ें लिखी गई हैं, ये सब इसी स्टाइलस के जरिए लिखी गई हैं। ये एक ब्रेल शीट है, आम जो पेपर होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा उसका उससे मोटा है, क्योंकि इसी स्टाइलस से इस पेपर के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन इस पेपर को एक ब्रेल स्लेट के अंदर डाला जाता है, उसमें इस साइड से लिखा जाता है इसको। जब इसमें इसे लिखेंगे हम, तो पढ़ते टाइम इस पेपर को हम लोग उल्टा कर देते हैं, और उसमें पढ़ते टाइम हम लोग सिंपल जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि पीछे जो आपने इसमें डॉट लगाए थे वो एम्बॉस होकर टैक्टाइल फॉर्म में बाहर को निकल आए, और आप फील करके उसको ईजिली आप ऐसे ऐसे जो भी इसमें लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। तो इस ब्रेल के जरिए हम लोग जो ब्रेल बुक्स बच्चों के लिए बनाते हैं, इसी ब्रेल शीट से बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने एक आपको टैक्टाइल बोर्ड शो किया था। ये टैक्टाइल बोर्ड, जैसे इसका देख रहे हैं कि जो सरफेस है इसका बिल्कुल खुरदरा सरफेस है। इसके ऊपर हम लोग कोई भी पेपर ऐसे लगाते हैं, और इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम अगर रिवर्स में देखेंगे तो उसको फील कर सकते हैं, तो पता चल जाता है कि हमने पेपर में क्या बनाया है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हम लोग जिसमें मटेरियल्स में अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, मेन हमारा होता है जो भी इसमें हम लोग इस ग्राफ्स में बनाए उसमें टेक्सचर है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के लिए बनाए, क्योंकि अगर हम सेम टेक्सचर में सारी चीज़ें बना देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि कौन सा चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्सचर यूज़ करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है जो हम टेक्सचर यूज़ करें वो कुछ शार्पन ना हो, ताकि अगर शार्प चीज़ इसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को से हार्मफुल हो सकती है वो। तो इसमें सिंपल चीज़ें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर में दालें पड़ी होती है वो यूज़ कर लें, बेटर होगा चीनी जैसी जो चीज़ है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें कीड़े लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, और जो भी चीज़ यूज़ करें वो एम्बॉस में हो, क्योंकि बच्चों ने देखना नहीं है, केवल इसको फील करना है कि इसमें क्या दिया है। इसी तरह से मैंने इससे पहले जो चार्ट आपको दिखाया था, इसमें भी मैंने जो लगाया है आपको देखा होगा बार्स बने हुए, ये बिल्कुल एम्बॉस में इसको बच्चा फील कर सकता है। साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक ग्लिटर ग्लू होता है उसको यूज़ किया गया है। थोड़ा सा ग्लिटर ग्लू इसलिए यूज़ किया है, एक तो आराम आसानी से पेस्ट हो जाता है, दूसरा देखने में कलरफुल है, इसलिए लो विज़न बच्चा भी इसको इजीली देख सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये बार जो आपने बनाया है वो किस मटेरियल से बना है? ये बार एक्चुअली कुछ ऐसा टेप होता है ये, जो कि दोनों साइड से पेस्टिंग होता है। ज़्यादातर ये वॉल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऊपर से अगर हम इसे इसके निकाल देंगे तो अंदर से भी इसमें टेप लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है। इसके ऊपर कोई और पेपर अगर इसको हमें कुछ और कलर में चेंज करना है तो इसके ऊपर भी हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें एक ही, क्योंकि एक ही तरह के बार्स बनाने थे इससे हमने सेम कलर का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम इन ऐसे ग्राफ्स में बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को हार्म नहीं पहुँचाए, पहली बात, और दूसरी बात वो हाथ में एम्बॉस होनी चाहिए। और ये सारे जो मैं चीज़ें बताई हैं आपको, ये
ये सारी चीज़ें तभी लाभदायक सिद्ध होंगी जब ये सिखाने से पहले बच्चों को हम लोग वर्बल डिस्क्रिप्शन देंगे। जब तक आप उसको मौखिक तौर पे बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक बच्चा बिल्कुल नहीं समझ सकता कि ये आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है उन स्कूल्स के टीचर्स की जो जब वी आई बच्चों को पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड जब लिखते हैं तो लिखते टाइम उनका वो सारी चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वो सब उसमें वो लोग मौखिक रूप से भी इसको बोलें ताकि जो वी आई बच्चा आपका सामने बैठा हुआ है वो उन सब चीज़ों को सुन सके जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है क्योंकि इसको दिखाई नहीं दे रहा। तो और इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पूरी तरह से जो हमारा ब्लाइंड बच्चा है लिसनिंग पर डिपेंडेंट होता है तो लिसनिंग तभी हो पाएगी जब बच्चे को आप फ्रंट सीट में बैठाएंगे। तो मेरी उनसे जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है, बस आप उनको सहयोग दीजिए और ये बच्चे बिल्कुल आम बच्चों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। कि हमारा जो मेन ड्यूटी है कि इन बच्चों को हमको मेन स्ट्रीमिंग में लाना है, तो ये बच्चे मेन स्ट्रीमिंग में तभी आ सकते हैं जब हम इनको अपना पूरा सहयोग देंगे ना कि सहानुभूति। और सहयोग देने के लिए हमें इनके लेवल पर उतरना पड़ेगा तभी ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि टेक्टाइल फॉर्म को यूज़ करके इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे बार डायग्राम हुआ या पाई चार्ट हो गया उसको किस तरह से क्लासरूम में इन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। मोहिनी जी अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्लासरूम में जिस तरह से टेक्टाइल फॉर्म यूज़ करके पढ़ते हैं अभी आप हमारे दर्शकों को वैसे पढ़ के दिखाएं। इन बच्चों के लिए मैंने जो टेक्टाइल फॉर्म में चीज़ें बनाई हैं मैं मोहिनी से कहूँगी कि उन चीज़ों को ये ब्रेल में पढ़ के बताएं कि इसमें कैचेस लिखी हुई है। दिस इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। देर आर टू सर्कल्स, फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया, देर आर टू टेक्सचर्स, different textures. First is dotted and second one is thin line, and this dotted texture shows the 36%, and the second with thin line area shows the 64%, and second one circle is showing a number of farmers. First, there are also two textures. First shows the thin line, and second one is dotted. In first circle, there was a dotted area was less, but in the second circle, the dotted area is more. And in first circle, there was a thin line area was more, but in this more, but in the second one, the dotted area is more, and but second thin line area is less in second circle. This means this is a symbol representing the cultivated area and the small farmers. And the second circle, this is a symbol of medium and large farmers, which represent the medium and large. This symbol is presenting medium and large farmers. This means number of medium and large farmers are less, but their cultivated area is more. Second one is, this is a small farm. These are the small farmers where number of small farmers are more, but their cultivated area is less. So by this graph, I come to know that this is a pie chart, which is representing number of distribution of cultivated area and the farmers, and this means a number of medium and large farmers are less in number, but their cultivated area is more, and number of small farmers are more,
but their cultivated area is less. अब एक दूसरा चार्ट है, इसके बारे में मोहिनी आपको बताएगी. This chart shows the poverty in India. There are two lines. First line representing y-axis and second line is representing x-axis. On the y-axis, there's written shows the number of poor out of every 100%, and this x-axis line represents the two social groups and two economics group. On the y-axis, there is written, this is a scale which we are written 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. And this x-axis, there is written scheduled tribes, urban casual laborers, rural agricultural laborers, scheduled caste, average Indian poverty ratio. Now these are bars. First bar shows the scheduled tribes. Its percentage is 51%. Second bar is urban casual laborers. Its percentage is 50%. And third bar is rural agricultural laborers and its percentage is 47%. Third bar is scheduled caste and its percentage is 43%. And last one is average Indian poverty ratio, its percentage is 20%. By this chart, I come to know this is a bar graph which is representing how much poverty in India. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों के लिए टैक्टाइल फॉर्म में चार्ट बन सकते हैं. इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स में टेबल्स भी होते हैं जिनको हम लोग इस टैक्टाइल फॉर्म में या ब्रेल फॉर्म में नहीं दे सकते. उसको बच्चे, हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से इसमें टेबल्स को शो कर सकते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है तो ब्रेल में तो हम लोग टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो लैपटॉप के थ्रू मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगी. एक टेबल है जो शो कर रहा है पावर्टी रेशियो इन परसेंटेज. देयर आर फोर कॉलम एंड फोर रोज. फर्स्ट कॉलम शोज द ईयर, सेकेंड रूरल, थर्ड इज अर्बन and fourth one is combined. First row represents the year 1973 to 74. Rural 56.4, urban 49.0, combined 54.9. 1993 to 94 year, rural 37.3, urban 32.4, combined 36.0, 1999 to 2000 year, rural 27.1, urban 23.6, combined 26.1. This completes the table, and by this table, we come to know easily poverty in ratio in percentage. इस तरह से आपने देखा कि हम लोग इस लैपटॉप के माध्यम से जिस टेबल को हम लोग ब्रेल में टैक्टाइल फॉर्म में नहीं ड्रॉ कर सकते, उसको हमने इजीली हमने लैपटॉप के माध्यम से VI बच्चे भी इसको सीख सकते हैं. इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो टॉकिंग होता है, बच्चे इनको ईयरफोन के जरिए सुनते हैं और फिर उसी हिसाब से इसके कीबोर्ड में जो कीज़ हैं उनको प्रेस करते हैं और वो सामने आ जाता है. तो इस तरह से हम लोग टेबल्स पे इनको इजीली सिखा सकते हैं. तो ऐसे ही सब्जेक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग बच्चों को सिखा ना सकें,
क्योंकि अगर आपने आप में क्रिएटिविटी है तो आप कोई ना कोई तोड़ उसका निकाल सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई किस तरह से हम वीआई बच्चों को इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट हो ईजी बनाया जा सकता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को टेक्टाइल फॉर्म में यूज़ करके इन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। आशा है कि इस प्रोग्राम से हमारे टीचर्स को प्रोत्साहन मिला होगा कि इकोनॉमिक्स को क्लासरूम में कैसे इन बच्चों को पढ़ाएं ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में बढ़े। मंजू जी और मोहिनी जी हमारे इस प्रोग्राम में आए, इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।